मोदी के कपड़े निकाल के फेंक देने का ऐसा विचार। यहाँ पे अपना स्वागत के लिए तैयार थे, साल से यहाँ पे 20 साल से बैठे, सुवर ने ढकल दिया, सुवर ने मार दिया, 15 साल से चला। भाई अपन निकल गए थे सिंगूरी से, सिंगूरी से जो मैंने बोला था आपको कि अपन रामा डैम जाएंगे, ये वड़गांव डैम का एक तो रामा डैम भी बोलेंगे, रामा गांव आगे में है, वहाँ से 5 किलोमीटर सामने में है। अपन पहुँच गए अभी जो अपना डेस्टिनेशन है ये अपना रामा डैम है, यहाँ से जस्ट उतरा मैं और यहाँ पे हमारे अंकल यहाँ पे अपना स्वागत के लिए तैयार थे, यही पे काम करते यही है एम्प्लॉय, और हम इनसे अभी बात कर रहे थे तो यही जानकारी मिली कि इतना सपोर्ट कर रहे ये लोग, ये अंकल है इसके लिए नहीं, ये भी सर, तो ये बोल रहे थे कि आप सामने जाओ और जो भी नज़ारा है आप वहाँ से शूट करो, वहाँ से अच्छा नज़ारा आएगा। और एक्चुअली अभी धुक्का लाया ना, इसके वजह से इतना कुछ पानी नहीं है खास, अभी बरसात जो पानी गिरेगा ना उसका फिर नज़ारा बहुत और रहता है, आवाज़ आता है बहुत ज़बरदस्त। हम लोग लास्ट टाइम आए थे यहीं पे विजिट करने, तब हमने शूटिंग भी किया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। भाई यहीं से तो एकदम जोरदार दिख रहा है, ये अपने कैमरे में क्या चल रहा है क्या बताएं, बहुत जबरदस्त लग रहा है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे बारिश में आए थे और ये जो पानी है ना ये तो अभी बहुत कम दिख रहा है, ये पानी ये ऊपर जहाँ तक हम लोग ये खड़े हैं ना इसके जस्ट थोड़ा सा ही नीचे था, इतना जबरदस्त ये जो जैसे समंदर की जो लाठी चलती है ना वैसी ये पूरा का पूरा नज़ारा आता है और सन से पूरा आवाज़ आता है। अभी भी धीरे धीरे ही चल रहा है ये पूरा डैम है, ये वड़गांव डैम जो बोलते हैं, पीछे साइड में जो है कारखाना है शक्कर कारखाना, पीछे साइड में जो हिल दिख रहा है ये पूरा ये उस पार है, सोडेश्वर के उस पार में जाता है एक रास्ता जाता है वहाँ से नागपुर के लिए अंदर से, वहाँ से भी अपन ट्रैवलिंग कर चुके हैं, शनि मंदिर के पास निकलते हैं वहाँ से रास्ता। अभी जो है यहाँ पे इतना ठंडा हुआ है, 12 बजे की धूप है फिर भी यहाँ पे इतना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपन कहीं गए, आजू बाजू में समंदर है, समंदर के पास में अपन खड़े हैं और एकदम ठंडा ठंडा एटमोस्फेयर तो बहुत जबरदस्त है, यहाँ इतना क्लीन पानी है पूरा का पूरा, नीचे में जो पौधे वगैरह है ग्रीनरी पूरा दिख रहा है। अंकल कल से बोल रहे थे कि डैम चलने का है क्योंकि
के वक्त तो बहुत सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छियाँ बहुत प्रकार की मिलती है। मैंने आपको देखा पीछे साइड में जो मछुआरे लोग बीच में जाके मछलियाँ पकड़ते हैं और पास के गांव में बेचते हैं। तो यही चीज़ें, ये जो पंछी जो दिख रहे हैं आपको, ये मछलियाँ खाने के लिए यहाँ पे पूरे जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे जो नज़ारे है वो देखने के लिए, यहाँ से दूर दूर दिखता है, ऐसा लगता है कि अपन समंदर के पास आ गए और उसका फीलिंग आता है। अपने साथ सर है, अपने साथ जो सर है ये कृष्णा देशमुख है, और ये किशोर डुकरे हैं, ये मेरे अंकल ही, इसके लिए मुझे इनका नाम पता है कि सर लिख के। तो सर यहाँ पे आप कितने साल से हैं यहाँ पे? 30 साल से। 30 साल से कर रहे हैं। और आपका कहा? 15 साल से मेरे अंकल है और ये सर 30 साल से है। तो यहाँ पे जैसा धूप काला है, बारिश है और ठंड है, ऐसे तीनों मौसम में ऐसा कुछ दिखता है कि आपको भी कुछ चेंज हुआ है अपने यहाँ पे? चेंज नहीं, हर साल जितने भी ऋतु आते हैं सब काफ़ी खतरनाक ऋतु रहती है। ऐसा धूप काला आया तो धूप काले में ये पानी की भाव बहुत चलती है यहाँ ड्यूटी करने से। बारिश आई तो यहाँ आजू बाजू में कोई झाड़ नहीं है, अड़कन नहीं है, तो बारिश आती तो इतनी जम के बारिश आती कि यहाँ पे लाटा भी बहुत जम से लगता है। जैसे समंदर में आते हैं ना लाटे, वैसे लाटा भी आती है। हाँ, वैसी लाटे आती है, वैसी लाटा भी। और ठंडी के मौसम में तो इतनी ठंडी लगती है, थोड़ा सा 10 पाउल आगे गए तो थोड़ा सा गर्म लगता है। लेकिन ये पानी की जगह में लोग बोलते हैं धूपकाले में बहुत ठंडा रहता है। हाँ। मगर धूपकाले में इतनी गर्म होती है कि कपड़े निकाल के फेंक देने का ऐसा विचार होता है। ये पानी की बहुत भाप निकलती है, पानी की जगह ड्यूटी बोलो तो बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सांप, बिच्छू, जानवर, ये पानी पीने के लिए धूपकाले में बड़े बड़े जानवर भी आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा है, ड्यूटी बोलो तो कहीं की भी खतरनाक ही रहती है। यहाँ सादी ड्यूटी नहीं, नाइट डे सभी हम रहते हैं। ओके, डे नाइट करते हैं ये। डे नाइट एक ऑपरेटर, एक हेल्पर, एक गार्ड, ये 3 जन की ड्यूटी रहती है। और तीनों जन इतने मिलजुल के रहना पड़ता आपको कि बहुत ही मिलजुल के, क्योंकि अकेला यहाँ जा नहीं सकता। अकेला गया तो सुअर ने ढकल दिया, सुअर ने मार दिया। अभी हमारे पिपड़ा में रहते थे पवार जी करके, उनका देहांत हो गया, वो खाना खाने के बाद में टहलने गए तो जंगली सुअर ने उनको इतना ठोक दिया, इतना कुश्ती चली क्या उनको पूरा फाड़ी दिया इधर उधर से। तो कम से कम साल भर तो वो उठे नहीं जगह से, इतनी तकलीफ हो गई पवार जी। तो हाँ, अभी तो वो देव आज्ञा हो गई उनके वाली, गुजर गए, लेकिन उससे नहीं, बीमारी से गुजर गए। तो ऐसा है यहाँ पे ड्यूटी बोलो तो कोई भी ड्यूटी करेगा यहाँ पे तो खतरनाक ही। घर से आप निकलते हैं ये बोल के मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, इतना खतरनाक ड्यूटी है। ऐसा अब हम सोचते हैं कि मिलिट्री वालों की ड्यूटी खतरनाक है, मगर यहाँ पे देखिए ये सर ने जो एक्सपीरियंस बताया वो भी बहुत डेंजर है। अकेला आदमी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसके लिए यहाँ पे 2-3 लोग तो साथ में रहते ही और मिलजुल के भी रहते हैं। यहाँ पे मेरे अंकल भी यहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं डे नाइट वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे जानवर लोग बहुत पानी पीने के लिए आते हैं। और यहाँ पे कैसा है कि जैसे इन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद वो टहलने गए, वैसे यार टहलने का रात को तो टहलने यानी कि ख़त्म ही हो जाना है, तो इसके लिए मिलजुल के हम झगड़ा नहीं करते आपस वाले से, कभी भी मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि मालूम है रात को भी देर, रात को भी हमको एक मेक को सहारा करना है, इसलिए हम मिलजुल के रहते। सही बात है सर ने जो बताया। और यहाँ पे जो पानी की जो मात्रा है अभी तो कम है, अभी सर ने बताया कि धूपकाले में धूप चलती है, मगर अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया एटमोसफेयर लगा ठंडा। मगर अपने ज़्यादा तो ये अपन तो 10-15 मिनट दूर से तो बहुत अच्छी नहीं है दिखता है, मगर नजीक में जाओ तो थोड़ा सा कैसा अलग वही है ना, मराठी में जो बोलते हैं ना दुरुन डोंगर साजरा दिसतो, उसके जैसे ये बता रहे कि 1-2 घंटा बिताने से यहाँ पे एटमॉस्फेयर का पता नहीं चलता है। हम लोग तो 3 रात रहने वाले हैं यहाँ पे, तो ऐसा है। और मेरे अंकल भी वो भी साथ में ही रहते हैं और उनका भी एक्सपीरियंस ऐसी ही है, वो भी अपने बंदूक लेके आते हैं डेनेट करने के लिए। नहीं नहीं, आपको तो वैसा ही आना पड़ता है, ऐसे ऐसे पक्षी है और ऐसे ऐसे जानवर है ये आपने सही में देखा। हाँ, शेर तो नहीं दिखा, मगर हरिन, मोर, मोर ये सब हमने देख लिया, हरिन, मोर, खरगोश,
कछुए सांप बिच्छू खतरनाक खतरनाक सांप देखे हमने, अजगर तक देख लिए आप। जैसे बता रहे थे कि यहाँ से जो पानी है यहाँ भी MIDC बुट्टीपुरी के लिए जाता है, अपना नागपुर में भी जाता है, शंकरपुर की तरफ भी जाता है, यहाँ पे जो पीछे में शक्कर कारखाना है भी जाता है, पूर्ति शक्कर कारखाना, उसके बाद मिहान में भी पानी जाता है यहाँ से। यानी कि ये पूरा जो इंडस्ट्री एरिया है पूरा सप्लाई होता है यहाँ से, और इंडस्ट्री एरिया में भी इतना पानी लगता है बहुत ज़्यादा। तो यही है, एक जमा पूंजी जो बोलते हैं ना, ये अगर ख़त्म होगी तो फिर ख़त्म है MIDC, क्योंकि पानी के ऊपर ही सारे लोग डिपेंड रहते हैं, और आजू बाजू के खेती वाले भी यही से पानी का पानी की पूर्ति करते हैं, यही से पानी देते हैं, और सारे जानवर लोगों का भी यही से पानी जाता है, यानी कि सब लोग ये पानी के ऊपर डिपेंड है। तो देखो पक्षी बन हमको इतनी जानकारी दी सर ने, सर का धन्यवाद, और सर आने के बाद इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया सर ने, तो सर का धन्यवाद। वड़गांव डैम जो है वहाँ पे 21 गेट है, 21 गेट यानी कि पूरा का पूरा खुलते नहीं, धीरे धीरे अभी दुखता में तो नहीं खुले, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे एक दरवाज़ा दो दरवाज़ा ऐसी करके खोल देते हैं, यानी कि जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ से फिर पूरी होती जाती है बाकी नदी में। तो फिर मैं आपको अभी बाकी का नज़ारा दिखाता हूँ, अभी तो बात तो बहुत हो गई है, बाकी भाई इतना सुंदर नज़ारा रामा डैम का मैंने आज तक नहीं देखा। एक्चुअली बारिश में आया था तब भी बहुत बढ़िया नज़ारा था, जब भी नए नए मौसम में आता हो तब नया नया कुछ दिखता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सब जो मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे तो बीच में जाके मच्छियाँ पकड़ते हैं, मगर यहाँ पे जो एटमोसफेयर भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, शाम के वक्त तो बहुत बढ़िया रहता है, मगर रात को तो जैसे सर बता रहे थे कि यहाँ पे जानवर भी बहुत आते हैं पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी मछलियाँ भी बहुत सारी है। तो चलिए दोस्तों अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया एक्सपीरियंस लेके। तो चलिए।